डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि ह्यूमन राइट कमीशन का बिहार दौरा राज्य सरकार को बदनाम करने का एक प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा है, उस पर लोग काम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करना है। भाजपा वाले लोग कहाँ थे भाई? ये लोग 4 महीना पहले कहाँ था? जब बीजेपी सरकार में थी तो क्या कर रही थी? तेजस्वी ने आवाज उठाई तो पूरी आरजेडी ने मानवाधिकार आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरजेडी प्रवक्ता तो यहां तक बोल गए कि मानवाधिकार आयोग भाजपा अधिकार आयोग बन चुका है। गैर भाजपा शासित राज्य, अब बिहार में पहुंची है मानवाधिकार आयोग की टीम। क्या मानवाधिकार आयोग भाजपा अधिकार आयोग बन गई है क्या? नीतीश सरकार में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने भी पूछा कि छपरा शराब कांड से मानवाधिकार कैसे जुड़ता है, जबकि बीजेपी का कहना है कि अगर नीतीश सरकार ने कुछ गलत नहीं किया तो डर क्यों रही है? तो नीतीश इसको घबराने की क्या जरूरत है, क्यों परेशान है? अगर आपने झूठ नहीं कहा, कोई गलत नहीं किया, आपको छिपाने के लिए नहीं है, तो फिर डरने की क्या बात है?